नमस्कार सभी दर्शकों, हमारे अरुणाचल के अंकल आंटी चाचा चाची दीदी बहन भैया जो भी हो, आप सभी को पता होगा आजकल फेसबुक के जरिए हम और आप जैसे जो इनोसेंट लोग हैं, जो इनोसेंट अरुणाचली है, बहुत सारा लुटेरा आया हुआ है फेसबुक के जरिए। आपको लूटना चाहता है वो जो कीमती कीमती सामान को आपको कम कम दाम में बेचने का, होम डिलीवरी करने का, ये सब लालचाकर आपसे पैसा लूटना चाहता है। आपका दिन रात खून पसीना से कमाया हुआ पैसा को वो आसानी से लूटना चाहता है। वो लुटेरा आप गरीब है, अमीर है, या फिर आपके बैंक में कितना बैलेंस है, वो सब आपको नहीं दिखता है। आपके पास भले ही 1,000 रुपये हो, 500 रुपये हो आपके अकाउंट में, वो भी आपको लूटना चाहता है। मैंने 3-4 महीने से एक इंसान को अपना नाम बदल के, हमारा जो अरुणाचल के फेसबुक ग्रुप है, हर ग्रुप में वो जो एक ही सामान को बार बार पोस्ट करते हुए देखा है, वो कहता है वो ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे, अपना सारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है और वो आपसे पैसा एडवांस में लेना चाहता है, वो आपको कभी सामान डिलीवर नहीं करेंगे। आप जो पैसा एडवांस पे कर देंगे वो बहाना बनाएंगे, आप दूर में इधर है उधर है, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा बहाना बनाकर आपसे पैसा लूटना चाहता है। तो मैंने सोचा मैं आपके एक भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, ये अवेयरनेस वीडियो मैं आप सभी को बना के शेयर करना चाहिए। तो आज भी मैंने फिर इसको दोबारा दिखाई दिया है हमारा फेसबुक ग्रुप में, वो शेयर करते हुए मैंने देखा है। आज इसने नाम बदला है बबलू कुमार करके। तो मैंने अभी स्क्रीनशॉट भी लिया है, वो जो हमारा प्यारा अरुणाचल यहाँ पे आज शेयर किया है उसने, और दूसरा ग्रुप में भी वो शेयर किया है, अरुणाचल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे भी शेयर किया है। वो अरुणाचल का फेसबुक हर ग्रुप में, अरुणाचल के हर फेसबुक ग्रुप में ये जो सामान है लालचाकर आपसे पैसा लेना चाहता है। LED है, TV है, उसके बाद डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, बहुत सारा सामान है। तो ये सारा सामान है ये जो कहता है वो होम डिलीवरी कर देंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो मैंने आज सोचा आप सभी के सामने ये नंबर को लेकर कॉल करके बात करूं, और ये जो लाइव रिकॉर्डिंग करूं इसका कॉल को, वो आपको क्या क्या बात कर कैसा कैसा आपको ठगाना चाहता है, आपका पैसा ठगाना चाहता है, लूटना चाहता है। तो चलिए ये नंबर लेकर आपके सामने मैं कॉल करके दिखाता हूँ वो क्या क्या बोलते हैं। इसका नंबर है 7849 और क्या है 7849 083 083 653। ओके, मैंने ये नंबर ले लिया है, तो इसको हम आपके सामने कॉल करके देखते हैं लाउड स्पीकर करके। ओके, हेलो। अच्छा सर, आपका कुछ फेसबुक कुछ सामान ऐसे कुछ पोस्ट दिखाई दिया सर। जी सर, आपके लोकेशन कहाँ पे है सर? आप कहाँ से बात कर रहे हो भैया? मैं तो ईटानगर में अब यह पोस्ट किया हुआ था इसलिए। अच्छा, मैं तो सर इधर से बात कर रहा हूँ, नालागन से। अच्छा, तो आपके घर कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन? मैं इधर हेलीपैड है ना अपना। जी हेलीपैड है ना, नालागन में हेलीपैड। हेलीपैड पे हेलीपैड में मेरा पोस्टिंग लगा हुआ है, इधर ही मेरा पोस्टेड है, इधर ही मेरा घर है सर। अच्छा, तो ये सामान आप बेचना चाहते हैं? जी। तो घर तक आपके घर तक हम लेने आ सकते हैं क्या सर? लेने के लिए कैसे, अगर आपको सामान चाहिए तो आपके एड्रेस को भिजवा दूंगा। जी अगर आपको सामान लेना है तो आपके एड्रेस को भिजवा दूंगा। एड्रेस में भेज देंगे? जी नहीं, हम खुद लेने आएंगे तो क्या होगा सर? लेने के लिए तो इधर एक्चुअली क्या ना कि अभी एंटर नहीं हो पाएगा अंदर आपका ना। नहीं नहीं, एंटर क्यों क्यों नहीं हो पाएंगे सर? अरे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं आप तो सर ट्रांसफर हो गया, तो इसमें क्या है सर? तो मेरा ट्रांसफर हो रहा है तो आपका थोड़ी ट्रांसफर हो रहा है, आपको अगर चाहिए तो आपके एड्रेस को सामान भेजवा सकता हूँ मैं इधर से। इतना किसको भेजना चाहते हैं सर? क्या कैसे करके भेजेंगे सर? अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है सर।
अच्छा, मतलब आप इधर आ सकते हो, तब तो लॉकडाउन नहीं है। मैं भेज सकता हूँ तो लॉकडाउन है। तो आप कैसे करके भेजेंगे वो बताइए सर। कैसे करके भेजूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको अगर लेना तो आपको एड्रेस पे भेजूंगा सामान। बोलो सर, डिस्काउंट वगैरह ऐसे होगा क्या आपका सामान? डिस्काउंट तो सर इसका लास्ट ही डाला हुआ है आपके लिए। क्या क्या सामान चाहिए आपको? नहीं आप मुझे ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर चाहिए था, उसके बाद सोफा। अच्छा, सोफा और फ्रीजर पसंद आया सर। इसका आपके लिए लग जाएगा सर 15,000 लास्ट लग जाएगा। 15,000 से आप कम नहीं करेंगे सर थोड़ा? नहीं, वो 17,000 हो रहा है, बाकी 2,000 कम कर दिया मैंने, 15,000 ही बताया है आपके लिए। ओके सर, तो पैसा सर आपको जब सामान आप डिलीवर कर देंगे तो पे करने से होगा ना सर? पेमेंट तो डिलीवरी से, डिलीवरी के बाद देखो, फर्स्ट टाइम डिलीवरी से डिलीवरी चार्ज आएगा, वो करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, तो आप आपका सामान जैसे ही घर में पहुँचेंगे उसमें चार्ज दे देंगे आपको? डिलीवरी चार्ज फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा, बाकी पेमेंट आपके घर में सामान आया तो सामान चेक करने के बाद करना है आपको। डिलीवरी चार्ज को पहले देना है आपको? नो, तो डिलीवरी चार्ज सर जैसे आपको ईटानगर आईजी पार्क में पहुंचाना तो कितना लेता है सर? वो लगेगा आपको सर 1150 रुपए का लगेगा डिलीवरी चार्ज का खर्चा ना। ओके जी जी सर, ये आपका सामान तो टूटा फूटा तो नहीं है? नो, गुड कंडीशन में सामान, ओनली 6 मंथ ओल्ड है सामान भैया। वो तो एक्चुअली कहना कि अर्जेंट में ट्रांसफर लेटर है, तो इसी वजह से थोड़ा अर्जेंट में सामान सेलेक्ट करके जाना पड़ा, नहीं सामान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सर हम कैसे मान सकते हैं कि आप जो सही इंसान है? क्या नहीं, हम कैसे मान सकते हैं कि आप सही इंसान है बोल के आप हमको सच में शेयर कर रहे हैं बोल के? अगर आप डिलीवरी हमारे डिलीवरी पैसा है डिलीवरी चार्ज उसको लेकर आप बक जाए तो क्या होगा सर? अच्छा, और वो आप, मैंने आपके एड्रेस को सामान भिजवा रहा हूँ और आपने पैसा नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूँगा बताओ? वो तो आपको देना ही है क्योंकि वो तो आप पूरा घर पता कर लेंगे ना घर में आके आपका तो डिलीवरी वाला। मैं पूरा एड्रेस डाल दूंगा आपके लिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक तो, है। तो सर आपका चार्ज को किसे, अभी तो पूरा बैंक बंद है, किसे देंगे आपको? जब बैंक खुल जाए तब ले लेना, ठीक है। ओके सर, तो सर मैं कल इसने फोन काट दिया है, दाउड हुआ है इसको, मतलब मैं का आइडिया पता चल रहा है। हेलो हेलो, अच्छा सर फोन काट दिया। हाँ बोलो। नहीं तो सर कैसा कैसा पैसा भेजना है, आप अकाउंट नंबर वगैरह दे सकते हैं क्या सर? क्या आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं क्या, आपको डिलीवरी चार्ज देना हो तो? ये जो व्हाट्सएप में वो अपना अकाउंट नंबर भेजना चाहता है ताकि ये जो सामान का डिलीवरी चार्ज है उसको वहाँ दे सके। इसको मैं ट्रू कॉलर में सर्च करता हूँ, इसका नाम क्या दिखाता है। ओके, राहुल कुमार कहाँ से है? ओके, ये जो देखिए, ये जो नार लगन में बता रहा है, मगर इसका लोकेशन जो ओडिशा से दिखा रहा है, ओडिशा से आप देख सकते हैं ये कितना तगाने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा। एक बार अकाउंट नंबर ले लेते, ठीक, इसको मैं सेव करता हूँ। लुटेरा, ठीक है, लुटेरा। ये रिप्लाई नहीं आ रहा है।
फिर कॉल करके देखते हैं देख बहुत हेलो हाँ जी सर, आपका अकाउंट नंबर नहीं दिया है सर। व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो ना। नहीं नहीं मैं व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट किया, आप रिप्लाई नहीं किया सर। ठीक है मैं डाल रहा हूँ। परेशान कर देते हैं इसको, मैं कॉल करके बहुत चालाक वाला आदमी है ये जो कह रहा है। ये जो नारलगन एलिपेट ग्राउंड के आसपास में इसका घर है, तो मैंने कहा मैं सामान खुद लेने आऊँगा, ये कहता है कि बंद है, हम नहीं आ सकते। और ईटानगर तक का डिलीवरी चार्ज जो ये 1100 लेना चाहता है, बहुत चालाक है। हेलो हेलो हाँ जी। अच्छा सर, अकाउंट नंबर नहीं दिया है अब तक सर। लो आ गया, आप व्हाट्सएप ओपन कर लो अपना। ओपन है सर ऑलरेडी सर, व्हाट्सएप पे डाल दे चेक। बहुत मेहनत करवा रहा है हमको सर, लुटेरा। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, राहुल कुमार नाम बताया है। यहाँ में क्या बताया था, बबलू कुमार बताया है, फिर यह बताता है राहुल कुमार। आया बहुत गर्म हो गया, क्या बात करेगा। ठीक, हेलो हेलो हाँ सर, आप फेसबुक में सर बबलू कुमार है, आप फिर राहुल कुमार बता रहे सर। अरे मेरा नहीं है, ऑफिस का अकाउंट नंबर है भैया। सर आपको मैं किस, आप कुछ आईडी दे सकते हैं क्या, आपका आईडी कार्ड वगैरह, ताकि वो प्रूफ हो सके। भाई आप आईडी डाल दूंगा और बोलो, जो भी कुछ प्रूफ दीजिए, नहीं तो सर ऐसे अनजान अचानक आपको कैसे पैसा डाल देंगे सर। ठीक है, मैं अपना आईडी प्रूफ डाल देता हूँ आपके लिए। ठीक है सर, आईडी दे दीजिए। ठीक है, कितना लोगों को बुद्धू बनाना चाहता है शायद, बहुत लोगों को शायद लूट चुका होगा ये इंसान, ऐसा लगता है आदत हो के। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत इनोसेंट होता है, पैसा जाता डाल देता है, शायद बहुत लोगों को लूटा होगा और आगे ना लूटे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी ये वीडियो को देख रहा है आप प्लीज़ जो भी फेसबुक यूजर है हमारा अरुणाचल में, सबको पहुंचा दो ये वीडियो को, शेयर कर दो जितना हो सके शेयर करो, ताकि ऐसा वाला लुटेरा है इसे हम बच सके और ये सभी बच सके और हम सभी के पास ये जो अवेयरनेस पहुंच जाए इस वीडियो के थ्रू। मैं पहले इसका आईडी नंबर देख लेता हूँ। देखिए इसका असली नाम जो राहुल कुमार बता रहा है, ये जो ओडिशा से है, ये जो नारलगन में बोलकर झूठ बोल रहा है, ये आप सबको ऐसा ऐसा लोकेशन बताकर पहले ये जो डिलीवरी चार्ज को ले लेगा, उसके बाद आपको सामान कभी डिलीवर नहीं होगा, यही इसका मकसद है, इसलिए बचकर रहना है। आईडी देने के लिए इतना समय लगा रहा है। ओके, अभी आया आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ आया है, ये डुप्लीकेट आईडी प्रूफ होगा। डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, रहने दो। अच्छा रहने दो बोल रहा है। ओके, आधार नंबर ले लिया। ओके, अभी बात करते हैं। हेलो हेलो अच्छा सर,
बोलो। हेलो बोलो। आपके तो सर लोकेशन ओडिशा दिखा रहा है सर, नार लगन नहीं दिखा रहा है। ओडिशा? हाँ ओडिशा क्यों दिखा रहा है सर? मेरा सिम कार्ड ओडिशा का है, लोकेशन नहीं। पर सर आप जो ये सेम सामान कभी कभी आप जो आर्मी है बोल के पोस्ट कर रहा है, कभी CIF क्या क्या CISF है बोल के पोस्ट कर रहा है, आप क्यों पैसा लूटना चाहता है हमसे सर? तो मादरचोद भोसड़ी के पागल है क्या तू? कैसे पागल है? आपके सेम सामान मैंने अभी 2-3 महीने से सेम सामान दिख रहा है। अब हमारे अरुणाचल के जो इनोसेंट लोग है ना उससे पैसा लूटना चाहते हैं, पता है मुझे। तो तू तेरी बहन से जान लो फिर मां से द्वार रोक में। हेलो पता चल गया है। तो नंबर टी वर्तमान व्यस्त अच्छी, दया करी किसी समय परे डायल करन। तो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। ठीक से गाली दिया, गंदा गंदा गाली हमको, साला हमको आदत नहीं है गंदा बात बोलना, आदत नहीं है मेरा तो, इतनी आदत नहीं है तो निकलता नहीं है। समय परे चेष्टा करन। तो आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा। अपन उनका द्वारा डायल करा जाए थे वह नंबर टी वर्तमान व्यस्त अच्छी है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव बिजी बता रहा है, उसको पता चल गया कि उसका हकीकत हमको पता चल गया है बोल के। तो यही मैंने बहुत बार ये इंसान को देखा है, अलग अलग नाम चेंज करके फेसबुक में। आप सभी ने भी देखा होगा, ज़्यादातर जो आप ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब, इसका जानकारी है आप सभी को, ये जो फेक वो है सेलर है आपसे पैसा लूटना चाहता है। मगर आपके जो अंकल आंटी होगा, कोई आपका भाई दादा होगा जिसको इतना जानकारी नहीं है, वो फेसबुक में होगा और ये सामान को देखकर उसको खरीदने का मन होगा क्योंकि कम दाम में बेच रहा है। तो ऐसा होकर ये जो डिलीवरी चार्ज पहले पे करना होगा उसको, तो वो डिलीवरी चार्ज को ले लेगा, आपको सामान कभी डिलीवर नहीं होगा। और ये जो कोई ऑफिसर नहीं है, लुटेरा है, और ये अरुणाचल में नहीं है, ये जो अलग स्टेट से आपका पैसा लूटना चाहता है। तो मैंने 2-3 महीना से ये इंसान को सेम सामान को ऐसा पोस्ट करते हुए देखा, मगर फेसबुक में ऐसा किसी ने अभी तक अवेयरनेस वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा आपके एक बेटा होने के नाते, आपका एक भाई होने के नाते, या फिर आपका एक भैया होने के नाते, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाना चाहिए ताकि इससे जो जिसका पास जानकारी कम है, जैसे हमारा दीदी भैया भी हो सकता है, चाचा चाची हो सकते हैं, जिसको इतना जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो उसका पैसा लूट सकता है। तो इसलिए मैंने अवेयरनेस ये वीडियो बनाया था। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप, प्लीज़ इसको हर अरुणाचली के पास पहुँचाइए जो भी फेसबुक यूज़ करते हैं, ताकि ये अवेयरनेस सभी के पास पहुँचे और ऐसे लुटेरा से हम बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिए।